7 अगस्त की रात्रि में ग्राम हरपुर थाना गोला में दीप राजपुत्र चुन्नी लाल उम्र 14 वर्ष निवासी शरम टोला गोलाभार थाना गोला में हत्या कर शव को एक बागीचे में तालाब के किनारे फेंका गया था, जिसके संबंध में मृतक के पिता चुन्नी लाल की तहरीर पर थाना गोला में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना का मंगलवार को गोला पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिनकी पहचान जसवंत निषाद पुत्र रामकरण निषाद निवासी इटोहुआ उर्फ प्रेमगढ़ थाना गोला, महेंद्र निषाद पुत्र दीनदयाल तथा नीरज निषाद पुत्र राम अवध निवासी ग्राम हरपुर थाना गोला के रूप में हुई है। इसके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल एवं टूटी हुई सिम व घटना में आलाकतल डंडा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक दीपक राज व अभियुक्त जसवंत निषाद के बीच 2 माह पूर्व झगड़ा हुआ था, तभी से जसवंत उससे बदला लेना चाहता था। इसी के लिए 7 अगस्त की रात्रि में 11 बजे के लगभग जसवंत ग्राम हरपुर में आया और अपने दोनों दोस्तों महेंद्र निषाद व नीरज निषाद को साथ लेकर ग्राम हरपुर के बागीचे में पहुंचा तथा एक लड़की के माध्यम से दीपराज को बागीचे में बुलवाया। जब दीपराज वहां बागीचे में पहुंचा तो दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद तीनों ने दीपराज के सिर पर डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, थाना गोला में एक मर्डर हुआ था और उसमें एक 14 वर्ष का लड़का था, उसे उसकी हत्या कर दी गई थी। उनके साथियों द्वारा ही मिलकर हत्या की गई थी, तो इसमें आसनाई का मामला आया था, जिसमें थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने प्रयास करके गिरफ्तारी की है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उन्हें जेल भेजा गया है।